गुड मॉर्निंग बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जो लाइव क्लास चलाने जा रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो क्लास लाइव नहीं हो सकी। मैं लाइव क्लास का प्रयास आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप अपना कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न मुझे हाथों हाथ पूछ सकें। तो एक दो दिन में आपकी क्लासें लाइव शुरू हो जाएगी, इसके लिए मैं कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसका मैं सॉल्यूशन कर लूंगा। तो अभी हम जो क्लास पढ़ रहे थे, आज की क्लास हमारी थी वो थी आवर्त सारणी की। इनकी हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में आवर्त सारणी का पहला विचार किसने दिया था, फिर दूसरा विचार क्या था, और उसके बाद में पढ़ी थी कि आवर्त सारणी में जो मेंडलीफ ने दी थी उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके क्या गुण थे, उसकी क्या कमियां थी। मेंडलीफ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो कल्पना है वो किसने की थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक इनकी इसके आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले थे वैज्ञानिक वे थे हेनरी मोजले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो है हेनरी मोजले। इन्होंने कब दी थी, तो इन्होंने दी थी 1913 में। 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी और वो बनाई थी हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने क्या काम किया था, तो इन्होंने जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीफ की कमियों को दूर किया था, कमी को दूर करके मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसकी कमी को दूर करके इन्होंने आवर्त सारणी दी थी। और इनकी आवर्त सारणी का जो सिद्धांत था, इनकी इन्होंने किस सिद्धांत पर काम किया था, तो इनका सिद्धांत था वो था परमाणु क्रमांक। यानी इन्होंने कहा था कि मैं परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दूंगा कि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या उन तत्वों के बारे में नहीं होगी। तो इन्होंने कहा था कि मैं इनका सिद्धांत था होता परमाणु क्रमांक के आधार पर, इनकी इन्होंने तत्वों का जो जमाया था वो जमाया था परमाणु क्रमांक के आधार पर। और परमाणु क्रमांक के बारे में क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। यानी कि इन्होंने बताया था कि जो आवर्त सारणी होगी, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, यानी कि जिस प्रकार से हमने बताया था कि जो मेंडलीफ ने इस प्रकार से आवर्त सारणी बनाई थी, उन्होंने इस प्रकार से 7 आवर्त बनाए थे, तो हेनरी मोजले ने इन्हीं का प्रयोग किया और इस प्रकार इन्होंने समूह बनाए, वो समूह थे 18 समूह बनाए थे। तो इन पर इस प्रकार से जब ऐसी सारणी बना दी गई थी और इन्होंने कहा था कि इस आवर्त सारणी के अंदर, यानी कि इस प्रकार की आवर्त सारणी बना दी गई और कहा गया था, इन्होंने कहा था कि जब हम बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्रमांक बढ़ेगा। फिर कहा था कि टॉप से जब बॉटम इनके ऊपर से जब नीचे आएंगे तो भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो इन्होंने जो हेनरी मोजले थे, हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक का प्रयोग किया और परमाणु क्रमांक का प्रयोग करके मेंडलीफ की जो कमियां थी उनको दूर किया, उनको दूर करके नई सारणी बनाई थी। और इस सारणी में इन्होंने कहा था कि
जो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो इन्होंने इस प्रकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त लिए थे, आवर्तों की संख्या थी 7 आवर्त और 18 थे इसमें समूह, यानी कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है उसी सारणी का प्रयोग किया गया और इन्होंने 7 आवर्त और 18 समूह का प्रयोग किया। फिर क्या कहा इन्होंने, तो हेनरी मोजले ने कहा था कि मैं इस पूरी आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक बनाऊंगा। इन्होंने पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया, 4 ब्लॉक बनाए। उन 4 ब्लॉक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला ब्लॉक था वो था एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसमें कितने तत्व आते हैं, इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा ब्लॉक इन्होंने बताया था पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर इन्होंने बताया था डी ब्लॉक और चौथा ब्लॉक बनाया था, वो बनाया था एफ ब्लॉक। तो इस प्रकार से हेनरी मोजले ने पूरी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बना दिए और इन 4 ब्लॉकों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तत्वों को जमा दिया। और जब ये हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, इस आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने थे, तो कुल तत्व थे वो थे 118, कुल तत्व थे वो थे 118। हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्व थे 118। इन 118 तत्वों में से काफी बार पूछा था प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो कुछ प्राकृतिक थे और कुछ कृत्रिम थे। तो 118 में से प्राकृतिक तत्व थे वो थे 98, प्राकृतिक तत्व थे वो थे 98 और कृत्रिम तत्व थे वो थे 20। तो इस प्रकार से हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है। प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 98 है और कृत्रिम तत्व कितने हैं, तो वो है 20 तत्व है। लेकिन हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, जो एनसीईआरटी, इस बुक के अंदर कुछ इस प्रकार से आंकड़े दे रखे हैं। तो यदि आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आपको दूसरा ऑप्शन ध्यान में रखना था, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन पेपर में ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो पुरानी एनसीईआरटी में कहा गया था कि प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व तो थे 92 और कृत्रिम तत्व थे वो है 20। तो इस प्रकार से पुरानी एनसीईआरटी में 92 कहते हैं, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इनकी पुरानी एनसीईआरटी बुक में ये तत्व है, लेकिन हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी के फैक्ट के तत्व है वो ये तत्व है। तो इस प्रकार से आपको हमने क्या किया था कि इन्होंने जो काम किया था वो सबसे पहला काम किया था कि जो मेंडेलीव की कमी थी उनको दूर किया। मेंडेलीव की कमी को दूर करके इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो दिया था परमाणु क्रमांक का सिद्धांत, यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को जमाए थे। तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें इतने बारे में यहां तक 3 या 4 फैक्ट मैं बता देता हूं। पहला फैक्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है हेनरी मोजले। दूसरा आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी कब बनी थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, बनाई गई थी 1913 में। तीसरा आता है कि हेनरी मोजले ने कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो सिद्धांत था परमाणु क्रमांक का। चौथा फैक्ट पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक है। और पांचवा सिद्धांत या पांचवा यहां तक फैक्ट है, वो पांच फैक्ट यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं, प्राकृतिक कितने हैं और कृत्रिम कितने हैं। तो ये 5 फैक्ट आपको यहां तक याद रखने हैं। इतने से वैसे आगे फिर हम अध्ययन करते हैं एक एक ब्लॉक का कि एच ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं अध्ययन तत्वों के बारे में। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या होता है कि इनमें से मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूं कि इन आवर्त सारणी की थी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा ब्लॉक कहां पर है, उसमें कितने समूह हैं और कितने तत्व है, हमें काफी बार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो डायग्राम है इस प्रकार से है आधुनिक आवर्त सारणी का। मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूं आपके सामने।
यानी कि हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कुछ इस प्रकार की है, यानी कि इसमें सारे समूह और आवर्त आए हुए हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहले दो समूह आते हैं, यानी कि पहले दो वर्ग, यानी कि आवर्त तो इस प्रकार से सात आवर्त है, ऐसे एक दो तीन चार पांच छ और सात, एक दो तीन चार पांच छ और सात, इस प्रकार से सात आवर्त है। और इसी आवर्त सारणी में इस प्रकार से 18 समूह भी है, ऐसे इस प्रकार से टोटल 18 समूह हैं। तो मैं एक आपके रफली डायग्राम बनाता हूं। और अब क्या कहा गया था कि जो हेनरी मोजले थे उन्होंने इस आधुनिक आवर्त सारणी के इस प्रकार से समूह और आवर्त बनाए थे, इसमें से इन्होंने चार ब्लॉक बनाए थे। चार ब्लॉक कौन से थे, मैं चार ब्लॉक के बारे में आपको केवल अध्ययन कराता हूँ। ये अभी आप इन सारणी को आप डायग्राम स्क्रीन शॉट के जो थंबनेल होता है हमारे उसके ऊपर मैंने ओरिजिनल सारणी बना रखी है, तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले उसको पूरा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हेनरी मोजले जी ने सारणी बनाई थी, उसमें कौन सा समूह किस के अंदर आता है, इनकी किस ब्लॉक के अंदर आता है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने दो समूह लिए थे, पहला समूह और दूसरा समूह, और इसका नाम दिया गया था, इस ब्लॉक का नाम वो था एस ब्लॉक तत्व, इनकी एस ब्लॉक के एलिमेंट थे वो यहां थे। तो एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक आ गया, एस ब्लॉक के बाद में 13 से लेकर के 18 तक, एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक बनाया था, यानी कि ये था हमारा पी ब्लॉक। उसके बाद में जो मध्य वाला भाग था इसको बनाया इन्होंने डी ब्लॉक, और जो ये डी ब्लॉक के ही तत्व है लेकिन इन्हें अलग से दो श्रेणियां बना दी गई थी। एक तो थी लेंथिनम रेगा एक्टिनम श्रेणी थी, इन दोनों को बना दिया गया जिन्होंने एफ ब्लॉक। तो इस प्रकार से ये चार ब्लॉक बना दिए गए, पहले एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। तो अब क्या होता है कि सबसे पहला काम हमें याद रखना होता है, वो याद रखना है कि जो एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, तो कुल 13 तत्व हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, तो कुल तत्व है वह 13। फिर आता है कि इसमें कुल समूह कितने हैं, तो इसमें दो समूह हैं, दो वर्ग है या दो समूह हैं। दो वर्ग कौन सा, तो पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा समूह था, पहले और दूसरे समूह के तत्वों को इन्होंने नाम दिया था एस ब्लॉक तत्व। फिर आता है कि दूसरा ब्लॉक था हमारा होता पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, तो पी ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, तो पी ब्लॉक में कुल तत्व थे होते 31 तत्व, यानी कि 31 एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के अंदर 31 तत्व आते हैं, और इसमें समूह कितने थे, तो इसमें समूह थे होते 13 से लेकर के 18, यानी 13 से 18 तक कितने, 6 समूह है, यानी कि इसके अंदर 6 वर्ग या 6 समूह थे, और वो समूह कौन से थे, तो वो थे 13 से लेकर के 18 तक। काफी बार पूछा जाता है कि पी ब्लॉक के तत्वों के समूहों की संख्या क्या है, तो पी ब्लॉक के तत्वों के समूहों की संख्या 13 से लेकर 18 तक समूह थे। उसके बाद में आता है हमारा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर कुल तत्व कितने हैं, तो डी ब्लॉक में कुल तत्व आते हैं 40 तत्व। और इस डी ब्लॉक में समूह कितने हैं, तो इसमें 10 समूह आते हैं, 10 वर्ग। डी ब्लॉक 10 वर्गों से मिलकर बना होता है, और इस 10 वर्गों में से कौन से वर्ग आते हैं, तो 3 से लेकर के 12 तक, क्योंकि पहला और दूसरा था एस ब्लॉक में, फिर 3 से 12 आ जाएंगे डी ब्लॉक में, और 13 से 18 आ जाएंगे पी ब्लॉक में। उसके बाद में एफ ब्लॉक के तत्व है, इसके अंदर 28 तत्व आते हैं एफ ब्लॉक में। इस एफ ब्लॉक में 28 तत्व है, और ये इसी ब्लॉक के अंदर आते हैं डी ब्लॉक के, यानी कि इसी वर्गों में से आते हैं, यानी कि 14 श्रेणी, यहां से लेंथिनम और एक्टिनम के दो तत्व होते हैं वहां उठा करके अलग से 14 तत्व बना लिए, 14 इसमें होते हैं, 14 नीचे वाले में, दोनों में 28 तत्व होते हैं, जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, तो आप नाम याद रख सकते हो, इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी
कहते हैं। और इसमें कुल कितने तत्व आते हैं? तो आते हैं 28 तत्व आते हैं। हमें काफी बार एक फैक्ट पूछे जाते हैं कि एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है, या पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है, या डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है। क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन एग्जाम को बहुत ही लूजर पॉइंट से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा माइनर क्वेश्चन उठा लेता है कि हमें वहां से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे, इनको आपने याद कर लिया। अब हम एक एक तत्व को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं कि जो हमारे सात आवर्त है, सात आवर्त में से मैं पहले आवर्त की बात करूं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त, इन सभी आवर्तों में तत्वों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो पहले आवर्त में जो तत्व होते हैं दो तत्व, पहले आवर्त में केवल दो तत्व आते हैं, दूसरे आवर्त में आते हैं आठ तत्व, तो दूसरे आवर्त में आते हैं आठ तत्व, तीसरे आवर्त में भी आते हैं आठ तत्व, लेकिन चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या हो जाती है 18 तत्व, पांचवे में भी हो जाती है 18 तत्व, छठे में हो जाती है 32 तत्व, यानी छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है, और सातवां आवर्त है वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट, यानी कि अभी तक इसमें खोज होती रहती है, तत्व जुड़ते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीटेड तत्व। यानी कि कौन सा आवर्त अभी तक इनकम्प्लीट है? तो सातवां आवर्त इनकम्प्लीट है, काफी बार पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कौन से आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है? तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट है आवर्तों के बारे में जो हमें याद रखने है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आवर्त सारणी के चार ब्लॉक में से कौन से ब्लॉक में कितने तत्व है, कौन से आवर्त में कितने तत्व है। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं आज हमारा पहला ब्लॉक एस ब्लॉक के तत्व क्या है, इनके बारे में शॉर्ट ट्रिक क्या है, और कैसे इन तत्वों को नाम याद रख सकते हैं। तो जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एस ब्लॉक। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके सामने आवर्त सारणी के जो एस ब्लॉक के तत्व है उनके नाम याद कराने की आपको ट्रिक लिखवा लेता हूं। यानी कि जो एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं? तो कुल तत्व है 13 तत्व। एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व है, कौन से 13 तत्व है? तो इस प्रकार से सारणी बनी हुई हमारी आवर्त सारणी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। तो हमारे जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी का पहला पार्ट एक भाग बनाया मैंने, इस भाग का नाम है, ये भाग कहलाता है एस ब्लॉक तत्व। यानी कि ये एस ब्लॉक का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल कितने खांसे बने हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। अब इन 13 तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं, इनकी ट्रिक लिखाता हूं। तो ये हमारा है प्रथम समूह और ये है दूसरा समूह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम समूह के बारे में, पढ़ते हैं कि प्रथम समूह में कौन से तत्व आते हैं। तो प्रथम समूह में तत्व, तो प्रथम समूह में तत्व आते हैं सात तत्व। कुल तत्वों की संख्या कितनी है प्रथम समूह के अंदर? तो सात है। अभी सात की मैं ट्रिक लिखाता हूं। तो ट्रिक है ए ली ना, एलीना ने, एलीना ने की रब से फरियाद। इसकी ट्रिक हो गई कि एलीना ने
रब से फरियाद, ए से मतलब हो गया एच, ली से मतलब हो गया एल आई ली, ना से हो गया एन ए, यहां पर ने है जो साइलेंट है, के से हो जाएगा के, रब से हो गया आर बी, से हो गया सी एस, फरियाद से हो गया एफ आर। यानी कि पहले जो समूह है इसके अंदर सात तत्व आते हैं, पहला तत्व है ए, दूसरा है ली, तीसरा है नाने, चौथी की, पांचवा रब, छठा छे और सातवां फरियाद। तो इसकी ट्रिक आपको पढ़नी है, एली नाने की रब से फरियाद, एली नाने की रब से फरियाद, एली नाने की रब से फरियाद। ट्रिक आपको याद होगी, ऐसे एच, ली से एल आई, ना से एन ए, की से के, रब से आर बी, सी से सी एच और फरियाद से एफ आर। अब क्या होता है कि इसके नाम याद करने पड़ेंगे हमें, कि एच का मतलब क्या होता है, तो एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एल आई का मतलब होता है लिथियम, एल आई का मतलब होता है लिथियम। फिर एन ए का मतलब होता है सोडियम, सोडियम। और फिर के का मतलब होता है पोटेशियम, फिर रब आर बी से मतलब होता है रूबीडियम, रूबीडियम। और फिर सी एस से मतलब होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम। और एफ आर से मतलब होता है फ्रांसियम। तो इस प्रकार से हमने पहले समूह के तत्वों के नाम याद कर लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, स्कैंडियम और फ्रांसियम। यानी कि पहले तत्वों के, स्कैंडियम नहीं, यहां आ गया सॉरी सीजियम, यानी कि सी एस से होता है सीजियम। इस प्रकार हमने पहले तत्व के पहले सारणी की जो प्रथम समूह था इसके अंदर कौन से तत्व आएंगे, तो पहला तत्व आएगा वह आएगा हाइड्रोजन, है ली ना ने की रब। तो इस प्रकार से हमने पहले तत्व याद कर लिए, है ली ना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी के इन पहले समूहों को हम कहते हैं एल्किल, एल्किल सारिय धातु। यानी कि इन तत्वों का नाम होता है एल्किल सारिय धातु कहते हैं। किस तत्वों को एल्किल सारिय धातु कहते हैं, तो प्रथम समूह के जो तत्व आते हैं एस ब्लॉक के प्रथम समूह के तत्वों को हम एल्किल सारिय धातु कहते हैं। काफी बार पूछा जाता है कि एस ब्लॉक के प्रथम समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एल्किल सारिय धातु। इसी प्रकार इसका दूसरा समूह पढ़ते हैं हम, तो दूसरे समूह का नाम यहां लिख देता हूं मैं, दूसरा द्वितीय समूह। इन दूसरे समूह को हम कहते हैं सारिय मर्दा धातु, सारिय मृदा धातु। और इस दूसरे समूह की ट्रिक है वो हम पढ़ते हैं, तो दूसरे समूह की ट्रिक है वो है कि बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। यानी कि इसकी ट्रिक हो गई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से हो जाएगा बी ई, कार से मांगे से हो जाएगा एम जी, कार से हो जाएगा सी ए, स्कूटर से हो जाएगा एस आर, बाप से हो जाएगा बी ए और राजी से हो जाएगा आर ए। यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बी ई से हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेरेलियम, एमजी से हो जाएगा मैग्नीशियम, सीए से हो जाएगा
कैल्शियम, एस आर से जाएगा स्ट्रॉन्शियम, और बी ए से जाएगा बेरियम, और आर ए से हो जाएगा वो जाएगा रेडियम, रेडमियम या रेडियम, रेडमियम। तो इस प्रकार से हो गया कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनकी इस समूह के आगे दूसरे समूह के तत्व आगे पहला आ गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस प्रकार से इन तत्वों को 13 तत्व हमने ज्ञात कर लिए। 13 तत्वों के नाम की ट्रिक पढ़ी हमने, वो पढ़ी कि दूसरे समूह के तत्व आते हैं सारे मर्दा धातु के तत्व कहते हैं, और इनमें से पहला तत्व आता है बेरिलियम, दूसरा आता है मैग्नीशियम, तीसरा आता है कैल्शियम, चौथा आता है स्ट्रॉन्शियम, पांचवा आता है बेरियम, और छठा आता है रेडियम, और रेडियम या रेडमियम या इसको हम कह सकते हैं रेडियम। और ये रेडियम एक ऐसा धातु है जो अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकीला। ऐसा कौन सा सार्य धातु तत्व है जो अंधेरे में चमकता है, तो है रेडियम। और ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, काफी बार पूछा जाता है, तो घड़ी के डायल में, जूते, जो जूते होते हैं जूते की पट्टी में किया जाता है, सड़क पर इसके निशान बनाने में किया जाता है, और लोअर टी शर्ट या पाजामे में आते हैं जिसके ऊपर भी इस प्रकार की पट्टियां बनी होती है जो रात में दिखाई देती है, या सड़क सुरक्षा में जो सड़क पे काम करने वाले लोग होते हैं वे एक जैकेट पहनते हैं। तो इस प्रकार से रेडियम का प्रयोग क्या किया जाता है, तो इस प्रकार घड़े की डायल में, जूते की पट्टियों में, सड़क के ऊपर काम करने वाले मजदूर जैकेट पहनते हैं उसमें, या लोअर टी शर्ट आदि में जो लाइनिंग आती है रेडियम की बनी हुई आती है। तो फिर आता है कि एस ब्लॉक के 13 तत्वों के नाम क्या है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आता है रूबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम, साथ ये उसके बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम या रेडमियम। तो इस प्रकार से हमने जो एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा, इसमें आप हाइड्रोजन के बारे में याद रखना, ये एक आवारा तत्व है, यानी कि ये तो न तो धातु है, न उपधातु है, न ही अधातु है। हाइड्रोजन के बारे में अभी कोई फिक्स बातें या खास फैक्ट पता नहीं है। और जो बेरिलियम होता है, इसको कमरे के तापमान पर हम काट नहीं सकते, इनकी बहुत कमरे के तापमान पर कठोर होती है, बाकी हम कमरे के तापमान जो काट लेते हैं मर्दा धातु है इसलिए, लेकिन इसको बेरिलियम को कमरे के तापमान पर हम काट नहीं सकते हैं, इसका एक इफेक्ट याद रखना था। और इन तत्वों को हमने पढ़ लिया कि सारे तत्व कहते हैं जो दूसरे समूह के आते हैं। और फिर आता है जो सीजियम तत्व है, सीजियम तत्व है ये मोस्ट इलेक्ट्रो, सीजियम तत्व के बारे में याद रखना है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व कौन सा है, तो वह है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव तत्व, वो है सीजियम। तो इस प्रकार हमने एस ब्लॉक आज पूरा पढ़ा। तो एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, वो बताई कि एस ब्लॉक के तत्वों में एस ब्लॉक में 13 तत्व आते हैं जिसमें प्रथम समूह के तत्व आते हैं जिसमें एल्किल सारे धातु कहते हैं। प्रथम तत्वों की याद रखने की ट्रिक थी हेली नाने की रब से फरियाद, एच से हो गया ये हाइड्रोजन, एल आई एल लिथियम से का हो गया एल आई का हो गया लिथियम, ना यहाँ जो ने है ये ने, ना का मतलब एन ए, और एन ए से जाएगा सोडियम, की का मतलब के से गया पोटेशियम, रब से इनके आर बी रूबीडियम, से गया सी एच सीजियम, और फरिया से एफ आर फ्रांसियम। इस प्रकार इसके दूसरे समूह के तत्व थे, उनकी ट्रिक थी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बे से हो गया बी ई, मांगे से एम जी, कार से सी ए, स्कूटर से एस आर, बाप से बी ए, राजी से आर ए। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम और रेबेरियम और रेडियम या रेडियम रेडियम। तो इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक के 13 तत्व पढ़े, और अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा पी ब्लॉक, क्योंकि एस के बाद में दूसरा तत्व आता है ब्लॉक आता होता है पी ब्लॉक के तत्व है। तो कल हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ अन्य जो आवर्त सारणी के जो फैक्ट होंगे उन फैक्ट को पढ़ेंगे।
और कल हमारी आवर्त सारणी के जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा कि किस किस समूह में अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कब की गई थी, इनका आधार क्या था, इसमें कितने तत्व आते हैं, कितने ब्लॉक आते हैं, कौन से ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं। काफी बार आपको प्रश्न इस प्रकार से घुमा कर भी आगे कंपटीशन लेवल हाई हो जाता है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट घुमा के दे सकता है। इन 13 तत्वों में से एक ऐसा तत्व का नाम अलग से लेके छोड़ देगा चार ऑप्शन में से, कि दिए गए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का तत्व एस ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो यदि हमें एस ब्लॉक के तत्वों के नाम क्रम से पता होंगे तो ही हम उसके आगे के बाद पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व हमारे एस ब्लॉक में आता है, कौन सा एस ब्लॉक में नहीं आता है। तो इसीलिए इन ट्रिकों को हमने याद रखना है, क्योंकि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होगा, और उसके बाद में एफ ब्लॉक होगा। डी ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि सारी धातुएं हैं और धातुओं के बारे में प्रश्न हम धातु में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक छोटा सा एस ब्लॉक तक का। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद, आपका प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत आभार।